वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर अपने चैप्टर 8 का स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज, वाटर मीन्स जल एंड रिसोर्स मीन्स संसाधन। तो इस प्रकार इसमें साथ भी जो है मीनिंग हो गया जल संसाधन। अब यदि रिसोर्स क्या होता है, तो रिसोर्स मतलब एवरीथिंग जो ह्यूमन बींग को सेटिस्फाई करती हो वो रिसोर्स कहलाती है। मानव आवश्यकता पूरा करने वाली हर वस्तु रिसोर्स कहलाती है। इस प्रकार वाटर भी रिसोर्स है, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्स है, ह्यूमन बींग के अपने एक रिसोर्स है। तो अब इसके बारे में चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसके लिए इसके बारे जो करते हैं ताकि अच्छे से यूजी बोलते हैं के लिए देखिए। अब है वाटर। तो वाटर क्या है, इनकम्पेरेबल गिफ्ट है, मतलब नेचर के द्वारा हमें दिया गया है अतुल्य वरदान है जो हमारी सभी बेसिक आवश्यकताओं को बेसिक पर आधार को आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेट प्राइमरी नेसेसिटी है हमारा वाटर, और इसी वाटर के ऊपर हमारे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है। मतलब हमारे सामाजिक आर्थिक विकास पानी के बिना अधूरा है, जल बिना जीवन नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं अपने जो पुरानी मानव सभ्यताओं की जो सिविलाइजेशन है, मतलब सभ्यता, उनकी बसावट भी किसी न किसी रिवर के बैंक पर हुई थी। रिवर के जो है जिसमें रिवर है जिसके आसपास मानव बसना शुरू हुआ था, ताकि उसको अपने पीने के और भोजन के लिए पानी की जो है अवेलेबिलिटी हो। अब हम इसके बाद में आगे जाएंगे वाटर अवेलेबिलिटी। तो अपनी जो आर्थ है उसका 71% हो, जैसे अपना आर्थ है इसका 71% हो पानी, और बाकी जो बचा हुआ 29% को क्या है लैंड। तो इस प्रकार जो है हमारे धरती का जो भी पूरा 100% होता है उसमें 71% वाटर है। तो इसका परसेंटेज देखकर हमें लगता है पानी खूब है, लेकिन एक्चुअल में इसके विपरीत ऐसा है, इतना परसेंटेज होने के बावजूद भी पानी बहुत कम है। वो कैसे कम है तो यहाँ पे समझेंगे इसके बारे में। अब जो 71% वाटर है, ये जो 71% वाटर है इसका 97% वाटर क्या है, सेलाइन। सेलाइन मतलब खारा पानी, समुद्री नमकीन पानी है, और जो हमें किसी काम का ना पीने का ना किसी घरेलू यूज में ना इंडस्ट्री में यूज के लिए होता है। और अब इस 97% जो वाटर है इसमें ये तो क्या हो गया, पूरा बेकार हो गया। सिर्फ 3% जो वाटर है वो यूजेबल वाटर है। यूजेबल मतलब जिसको आप किसी भी प्रकार के अपने घरेलू या डोमेस्टिक जो है इंडस्ट्रियल यूज में पीने में आदि में लेते हैं। अब ये जो 3% वाटर है, 3% इसका 69% वाटर तो क्या है, आइस फॉर्म, मतलब बर्फ के ग्लेशियर्स के रूप में जैसे हिमालय वगैरह अंटार्कटिका आदि में जमा रहता है। और उसका 30% है वो अंडरग्राउंड वाटर है, मतलब जो जमीन के अंदर रहता है जिसको हम ट्यूबवेल इलेक्ट्रिक द्वारा खोलकर बाहर निकालते हैं। अब 1% जो वाटर बचा पीछे, उस 1% वाटर को ही इंसान यूज करता है, यूज भाई मैन अपनी इंडियन आवश्यकता को पूरा करता है, जैसे कि ड्रिंकिंग, इरिगेशन में सिंचाई और अदर पर्पस। अब हम आगे बढ़ते हैं 2000 की हेल्प से देखेंगे कि किस प्रकार ये पानी जो अवेलेबल है वही वापस जाएगा। वाटर पूरा अवेलेबल वाटर इसमें 69% क्या हो गया, तो जमा है उस फॉर्म में जिसमें ग्लेशियर में, ये ग्लेशियर फॉर्म में जमा है आइस फॉर्म में। और ये जो है अंडरग्राउंड वाटर, क्या है अंडरग्राउंड। अब जो पीछे 1% वाटर बचा है वो 1% कौन सा है, अपना काम सारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए जो है हमें बार बार
पहला तो व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, व्हाट रिसोर्स, तो व्हाट रिसोर्स मींस वाटर सप्लाई क्या है, तो यहां से आप अच्छे से देख लीजिएगा, व्हाट रिसोर्स इज प्राइमरी नेसेसरी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, यहां तक ही होगी व्हाट रिसोर्स की डेफिनेशन। अब दूसरा इसका इक्वेशन बन गया जो टू मार्क्स का, वो बनेगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो वाटर अवेलेबिलिटी टोटल वाटर है 3% फ्रेश वाटर, उस 3% का 1% ये हम यूजेबल करते हैं, यूजेबल वाटर कहलाता है। इस प्रकार ये होगी वाटर अवेलेबिलिटी, आपका एटमोसफेयर है वो क्या हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, उसके बाद में वो कंडीशन ग्रो
रैपिड ग्रोथ इज कंप्लीशन एंड सेकेंड है ग्लोबल वार्मिंग। अब इसको एक बार बस जूम इन करके आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है भाई पानी की कमी, तो भाई चलो तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं पानी कमी को। तो अब कितना पानी हमारे पास बचा है उसको कैसे सेलेक्ट किया जाए अपने फ्यूचर के लिए, कैसे फ्यूचर रखे, तो इन चीजों को जिस चीज में देखा जाता है पढ़ा जाता है वो टॉपिक कहलाता है वाटर मैनेजमेंट। ये भी टू मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर मैनेजमेंट। तो इसको हम जो आपको दिया देखेंगे कहते हैं। तो एक डैम का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे
का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इसे डैम कहा जाता है। तो डैम और बैरेज में एक डिफरेंस है कि डैम में पानी को रोका जाता है और आगे उसके गेट बने रहते हैं, जैसे ये डैम है तो इसमें ये नीचे गेट है, गेट में से पानी को आवश्यक अनुसार निकाला जा सकता है। ये तो होता है डैम का स्ट्रक्चर। और बैरेज में क्या होता है, इसमें से नहर बनी जाती है, कैनल। बैरेज में क्या निकाली जाती है, पहले पानी को कलेक्ट किया जाता है, रेन वाटर को कलेक्ट कर रेन वाटर। इसके बाद कलेक्ट हो जाने के बाद में उस पानी में से कैनल निकल जाती है, यानी कि नहरें। अब इन नहरों में से आगे माइनर रोडियां सब डिस्ट्रीब्यूटिव बनी जाती है और उसे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो वो सिंचाई का पानी लिया जाता है। तो इस प्रकार डैम और बैरेज ये भी दो दो मार्क्स के बने, दो मार्क्स के सवाल बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अच्छे से एलिजिबल होते हैं उसके बाद उसको एक्सपेक्ट करते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज वर्क जो है जैसा इसका नाम है, मल्टी मींस मोर देन वन, पर्पज मींस एम या ऑब्जेक्टिव, और प्रोजेक्ट का मतलब होता है योजना या परियोजना। तो इस प्रकार के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है और जिनको हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पीएम ने जवाहरलाल नेहरू ने टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा, इतने बड़े आदमी इतना बड़ा नाम लिया तो क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस जरूर होगा इंडियंस का, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। अब यहाँ उसका देखते हैं इसको मॉडर्न इंडिया का टेंपल कहने के पीछे इसके क्या कॉज है, क्या रीजन है। तो यहाँ पर आप देखकर कहला कि फेमिन एंड ड्रॉट की जो समस्या है, माने अकाल और सूखे की समस्या है, और अकाल और सूखे की समस्या क्या होती है, उसका ये रीजन है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड इनरेगुलरिटी ऑफ किसकी, मानसून की। मानसून जो है अरबी वर्ड है और इसका मतलब होता है, मानसून का मतलब होता है रिवर्स इन सीजन, मतलब सीजन की ऋतुओं में बदलाव। तो मानसून जब आता है हमारे यहाँ पर तो उसको भारत के लगभग 96-95% बारिश मानसून के द्वारा होती है। तो मानसून क्या है, अनसर्टेन है और इरेग्युलर है, मतलब इसकी कितनी मात्रा बारिश होगी कब होगी कोई कहा नहीं जा सकता, इसलिए भारत की खेती को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, टेम्पल ऑफ मानसून। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, लॉन्च मतलब चले गए या शुरू किए गए। आपका इंडिपेंडेंस मतलब भारत के बाद आजादी के बाद में फाइव ईयर प्लान में, फाइव ईयर प्लान जैसा नाम है, पांच सालों के लिए योजना बना दी जाती है, पांच सालों के लिए इन चीजों पर, इन मुद्दों पर काम किया जाएगा भारतीय राज्य सरकार द्वारा। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ्लड और जो ड्रॉट की, यानी पानी का पानी तो ड्रॉट हो जाता है तो फ्लड, जैसे कि केदारनाथ जो मंदिर उसके पीछे देख चुके हैं, कई ऐसे बाढ़ की जो सीन हम देखते रहते हैं न्यूज पेपर्स में चैनल्स में। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए और साथ साथ जब पानी कंट्रोल हो जाता है उसमें मेन पर्पज है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से बिजली बनाने के लिए। तो ये जैसे क्या है, जैसे ऊपरी से स्टोर पानी है डैम के पीछे और इस पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर भेजा जाता है, उस टरबाइन से बिजली बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हमारा मेन पर्पज पूरा हो गया, मतलब बिजली का। उसके बाद में दूसरा जो पर्पज है इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का वो है ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने का पानी। फिर तीसरा जो पर्पज है इरिगेशन, चौथा है फिशरीज, फिशरीज मीन्स मछलियों का पालन करना और उससे भी अर्निंग होती है। फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे होता है डैम से, मल्टीपल प्रोजेक्ट से, कि एक तो जो बाढ़ के द्वारा जो नदियों पर बाढ़ आती है उसे बचाया जा सकता है, हालांकि पूरा बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पाता लेकिन
भाग्य को पूर्ण करने में सफल नहीं होता है। फिर अब आगे हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, मल्टीपर्पज जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, डीसी प्रोजेक्ट्स यानी कि डैम्स, ये भाग्य को पूर्ण करने के लिए दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट्स है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, चलो या तो स्टेट सेंट्रल प्लस स्टेट या फिर स्टेट प्लस स्टेट या कि स्टेट या कि सेंट्रल, तो इस प्रकार से जो है इन प्रोजेक्ट्स को